कदम कदम रमान विपैर दिलेर पादमान विपैर पशान मादरे वतन फिदा गुजिस्म जान विपैर। धरने को आज 39वां दिन हो चुका है और अभी तक हुकूमत हमें संजीदगी से नहीं ले रहा। हम मुकामे बाला से अपील करते हैं कि बलूचिस्तान में लापता अपराध का मसला सबसे संगीन मसला है और तमाम बलूच लापता अपराध को बाजियाब करवा कर ही आप बलूचिस्तान के मसले को आगे ले जा सकते हैं, नहीं तो बलूचिस्तान का कोई भी इशू नहीं हल होने वाला आगे आप लोगों में से। अगर हमारा कोई भी एक बंदा जब तक गुम है, टॉर्चर सेलों में है, हम ये एहतजाज जारी रखेंगे और ये इशू को दबने नहीं देंगे। तो मुकामे बाला से खास तौर पर एज ए सिविल सोसाइटी मेरी ये अपील है कि तमाम लापता अफराद को पूरी तौर पर बाजियाब करवाएं। ये फैमिलीज़ जो पिछले 39 दिनों पर यहाँ धूप में बारिश में यहाँ पे बैठे हैं, अजियतें सह रहे हैं, ये सीरियसली अपने प्यारों की बाजियाबी तक ही यहाँ तक ही बैठे रहेंगे, ये उनका मुसम्मम इरादा है। और दरवाजा बदल हमलस कस न मतब अखीरा ये तेना कस तेना वारिस तेना दौलत तेना हर साहब कुरान करेट कुरान अखिर रेल तो दरेट रोड नजी अखन कैसे वसीलस मरी कना अस झुना न पत्तस मरी तो ये ची खन तब डी सी बस ई सी बस डी आई जी बस वफ्तन तो अस मसलस मतब रा चक्र खुशदार रटी बस फुट कं कि हिच मत वादत खा डी सी कुरान नजी अदू तो खाई न मसले हल के वना छुनाए ये पतो कना छुनाए कन ये थी बस तब कुरान ही हफ फरक पर आगे कुरान छुनाए कन ये तिफे से तू दाउरान उस थन हुशंगा दार मान दाड़ तो हन दाड़ी गोली इस कने खल की कना खोन में बशा बेम बलूचिस्तान खाखर भाज मसू हिच ना पत्ता अस कोई अस मसला सोना हल मफक अस इंसान सोना बात कपक या लदाड़े की या दा कुंडटी या फिर तो दीगर ना निमाज अनु इन गटी मस बाकी अखिर खाना बन निग मस दस दिन गुड धनिया नस कोई ठठी साया फिन डी कोई टा बस उनके कं के अल्लाह वसलस के कना हमारे अल्लाह जला न बदल के मार के सी दफ्त तटी दा ने को बंदा बस कनी ओ पाई फिर वो तायु राटी बस कना दा मसले अल्लाह जल जलालहु तिन रहमन न सदा खट बलूचिस्तान बादशाह इन सदा खट ती बलूचिस्तान बादशाह वजीर आजम अस वजीर आला तस गवर्नर आग तसु रूम करेट अख्तर संजाना वली टी ना टोना बांग दरवाजे मलत तक दख कत के दा गरीब नियाड़ी साज कनाई मैं ईड मसरे कनी मैं बाबा सर मैं कस कनी कस सफ अदालत ना नौकर सस हम भी अदालत आ ही ना अदालत कनी गवाह खवाई फा अदालत ना बैठ की बात दल जज से उन्हीं अदालत कर कुरान ना रजी जी हट इंसान इंसान दे आवा के थड़िक तो हराल के एक तो वो उड़ के अंत तस गवास मर दामिर बनी नाम कुरान अस्वान सुन तसर देखने ना दुनिया हम पूरा बदासन ना अंत पाई चिर रहेंगे अंत पाई ना दाढ़ी बनी चला ना मर्जी अल्लाह ना नियंत्रण बार करे तो रानू उस तो तुषान मेरे रुस्त का मैं फेनी रहे मैं दुनिया में माता बस कहीं नहीं कर ला नहीं लूं के तभी सवलाती सल्ला पाये मोल में दाती पुलों ने अपना सारा जिंदगी का खड़ी कटे ना खोरी के ना बस जलीली के बस अस्सलामुअलैकुम मैं माजी बलूच आप सब इस बात से वाकिफ है कि मैंने राशिद हुसैन की बाजियाबी के लिए हर वो मुमकिन दरवाज़ा खटखटाया लेकिन मुझे उन दरवाज़ों से ना उम्मीद होना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ एक कैंप लगाया है, उस कैंप को आज 39 डेज होंगे, लेकिन इस कैंप को लगाने के बावजूद भी हम ना उम्मीद रहे हैं। आज तक कोई भी कहीं से भी हमें कोई मैसेज नहीं आया, कोई यकीन दयानी नहीं हुई कि आप उठ जाए आपके लापता जो भाई हैं उनको लेकर आएंगे। आज तक किसी को भी यकीन दयानी नहीं करवाई है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि आप हमें यकीन दयानी करवाए और पहले की तरह यकीन दयानी नहीं वही यकीन दयानी जो सच्चा हो हमें हमारे लोगों को जल्द से जल्द बाजियाब करवाए। मैं जमील सरपरा की कज़न बीबो बलोच हूँ। हमें यहाँ पे रेड जोन में धरना दिए 39 डेज़ हो गए हैं। यहाँ की हुकूमत ख्वाब खरगोश में सो रही है, लिहाजा हम तमाम जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स के
एमनेस्टी होगा, यूएन वाले हो गए और यूरोपियन यूनियन वगैरह हो गए, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमारे इस मामले को संजीदगी से लें, आप लोग पाकिस्तानी हुकूमत हमारी तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत से बात करें, क्योंकि ये एक सिर्फ हमारा बलोचों का मसला नहीं है, ये हर जगह पर ये मसला है, जो डिसअपीयरेंसेस वगैरह हो रहे हैं ये हमारा एक मसला नहीं है, तो आप लोग बात करें हमारे लिए, हमारी आवाज़ बने, क्योंकि हम लोग बोल बोल के थक चुके हैं, लेकिन यहाँ की हुकूमत गूंगी बहरी है और वो शायद मर भी गई, हुकूमत ही नहीं है कुछ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेयर कुमारी जवाहर टोपाया मार 40 रोज भी तो मैं दानिश्ती हूँ मारे ची मैं पीला कसन खन गए मेरे फोटो कस दे मन पर गए मार को ची अनखन खाता मैं दानिश्ती हूँ और अन तो मैं दा भी सकूँ ये तूफान नहीं आए और नहीं आए मजबूरियाँ नहीं आए मैं दानिश्ती भी सकूँ लोग मैं तबाही करो बीता हंड्रेड तक और बीता मैं कुल की बर्दाश्त करूँ मैं दानिश्ती हूँ या तो मैं मर्द मारे आकने या तो मैं गांठों का देमा भरें या तो मैं जी अदालता पेश करें मैं 40 रोज भी था मामे का निश्चित हूँ मामे का तरह निश्चित हूँ मैं कोई फंक्शन या कोई पिकनिक या पनिश दिया ना मैं सीमा बलोच लापता शबीर बलोच की हूँ 6 सालों से मेरे भाई लापता हैं मैंने अपने भाई की बाजियाबी की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन मुझे नहीं बताया जा रहा है मेरा भाई कहाँ और किस हाल में है हमें आज यहाँ पर 1 महीना 9 दिन हो गए हम गवर्नर हाउस के सामने बैठे हुए अपने प्यारों की ज़िंदगी उनकी सलामती हम चाहते हैं हमारा सादा सा मुतालबा है लेकिन यहाँ की हुकूमत हमें सुनने को तैयार नहीं फिर हम जाएं और कहाँ जाएं हमारे लोगों को हमें दे दें हम अपने घरों को जाएंगे यहाँ पर हमारे बूढ़े माएँ हैं छोटे बच्चे हैं सब बीमार हो रहे हैं मैं खुद बीमार हुई हूँ अभी अल्लाह का शुक्र है तो ठीक हूँ लेकिन मुझे मेरा भाई चाहिए जब तक मेरी सांसें हैं मुझे मेरा मैं अपने भाई को ढूंढती रहूँगी मैं अपने भाई के बारे में पता लगा कर रहूँगी मुझे मेरा भाई दे दे खुदारा इस हुकूमत से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हम भी इंसान हैं हम भी इस मुल्क के शहरी हैं हमें सुने हम इंसान हैं हमें भी अपने घरों में रहना है हमारे घर होते हुए भी हम बेघर हैं खुदारा हमें सुना जाए हमारे भाई हमें लौटा दिए जाए आज हमारे लापता अफराद के इस धरने को रेड जोन क्वेटा में 39वां दिन है और अभी तक ये हुकूमत बेहस है और शायद ये हुकूमत दिलचस्पी नहीं ले रही है इस मसले के ऊपर मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला तमाम बलूच लापता अफराद का मसला है मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से अक्वाम मुत्तहिदा से एमनेस्टी इंटरनेशनल से यूरोपीय यूनियन से दस्तपस्ता अपील करता हूँ कि खुदारा बलूच के इस सबसे अहम मसला जो लापता बलूचों का मसला है इनको इंटरनेशनलाइज कराने में हमारी मदद करते हुए पाकिस्तान हुकूमत पर ये दबाव डाला जाए कि तमाम बलूच लापता अफराद को बाजियाब करवा कर उनके घर सही सलामत पहुँचा दिया जाए नहीं तो ये एक इंसानी अलमिया और ये एक मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए बायस शर्मिंदगी होगी।